कई एक्ट्रेस को मिलते हैं पैसे। बीजेपी के दावे पर भड़की कांग्रेस। राहुल के साथ नजर आए हैं कई एक्ट्रेस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अब खत्म हो चुकी है। इन दिनों इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई अभिनेता और अभिनेत्री भी नजर आ रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि एक्टर्स को यात्रा में शामिल होने के बदले पैसे दिए जाते हैं, ये एक तरीके का पेड पीआर है। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा के आरोप पर पलटवार किया है। बता दें, महाराष्ट्र में कई अभिनेता और अभिनेत्री भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी के साथ चलने के लिए एक्टर्स को भुगतान किया जाता है। ट्वीट में एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया था। महाराष्ट्र में अमोल पालेकर की यात्रा में शामिल होने के बाद ये विवाद उभरा है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि सुधारने के अलावा जो कुछ कांग्रेस ने हासिल किया है वो है उनके चारों तरफ एक स्वयंसेवक मंडली को लगा देना। कांग्रेस पेट पीआर कर रही है, लेकिन आखिर वे कौन लोग हैं जो चंद पैसों के लिए राहुल का साथ देने को तैयार हैं? अमित मालवीय के ट्वीट पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने जवाब देते हुए कहा, सेलिब्रिटी का बनावटी समर्थन हासिल करने की कला में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी माहिर है। बता दें, अमित मालवीय ने नीतीश राणे का एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें बिना नाम और नंबर के व्हाट्सएप मैसेज शेयर किया गया था। उसमें लिखा था, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ 15 मिनट वॉक करने के लिए समय निकालना है। एक्टर अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से समय का चयन कर सकते हैं। आर्टिस्ट को नवंबर में ही समय निकालना होगा। बता दें, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। 23 नवंबर को यात्रा पहली बार हिंदी बेल्ट में आ गई है। यहीं पहली बार यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी।